ओ मेरी बाहों में। ये तो दिनदारे औरत की इज्जत लूट रहा है यार। आजकल इसी को लव कहते हैं। तू तेरे दिमाग में जो भी सोच रहा है ना, वो टाइम तो चला गया और लोग भी चले गए। बैठ नीचे। देख भाई, अब सब कुछ पहले से फास्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ तो उनसे भी सुपर फास्ट हो जाए। हाँ, सुपर सोनिक फास्ट। अभी से फास्ट हो गया। देख भाई, तू फास्ट तो बन गया, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं, समझा? इस जमाने की सबसे अच्छी गुरु बोले तो लड़कियाँ। वो जैसा करती है ना, आंख बंद करके बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दे, एक्सपर्ट बन जाएगा। तितली भी फंस जाएगी। पर कैसे? चल लैपटॉप में तितलियां ढूंढते हैं। ये देख, शाम मैट्रिमोनी, सोडी मैट्रिमोनी, गोंसाल्विस मैट्रिमोनी। इंडिया में इतनी सारी कास्ट है क्या? लगता है तूने आजकल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। देख भाई, पेपर के पहले पन्ने पर यही सब छपा रहता है। पर भेदभाव करना तो बुरी चीज होती है ना। लगता है घर पे किसी ने बताया नहीं। चल ठीक है, अब हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पैसे और कास्ट के कोई मायने नहीं है, जिसे कहते हैं दुनिया की हर लड़की अपने लिए फिट है। ये क्या? कोई नहीं है, पूरा का पूरा रेगिस्तान खाली है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। तेरा तो बैड लक है रे। यहाँ पर भी नहीं है। मिल गई तेरे सपनों की परी, मिल गई। हैप्पी बर्थडे। क्या लाई हो तुम्हारे? से थैंक यू। ये तो रितिका है, दिव्या की फ्रेंड है। लॉटरी लग गई। अबे बैठ, गांव बसाने भीख मांगना पहले ही शुरू। सबसे पहले तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। तू आइसक्रीम खाएगा क्या? ले चाट ले। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि वो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद पेशेंस रखना। मनी, अगर उसका मैसेज आ गया तो क्या बात करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे घोंचू, मैसेज का ट्रेंड तो पुराना हो गया, आजकल तो कॉलिंग का जमाना है। कॉल करेगा तो फोन की रिंग बजेगी, कान में घंटी बजेगी, आईज में बिजली चमकेगी, फिर उसके पैर उसे फोन तक ले जाएंगे, वो नाजुक उंगलियों से स्वाइप करेगी और फिर होंठ से बोलेगी, हेलो। पता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में देखा था, सबसे अलग दिख रहे थे तुम। सारे गेस्ट अपने फोन में बिजी थे, अकेले तुम ही थे जो बच्चों को टाइम दे रहे थे। मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हें तो देखते ही मैं फ्लैट हो गया था। अच्छा, और तुम्हारी खरगोश जैसी दांतों वाली स्माइल का तो मैं दीवाना हूं। तुम्हारी जैसी लड़कियां अभी तक सिंगल हैं, इसीलिए हम जैसे कुंवारे अभी तक जिंदा हैं। उसके बाद जानना चाहता है। हाँ। उसके बाद की स्टेज है मीटिंग, और उसके बाद अब मेरा जलवा देख। कूल मैन। क्या यार, कैसा फोन है ये? दोनों तरफ से प्लेन है, सेल्फी कैसे लूं? Cool man. Hi. अरे घर में चूहे ज्यादा है या कपड़ों की कमी हो गई है? हर जगह छेद ही छेद। जरूर ये इसे छेदी लाल के कपड़ों की दुकान से लाई है। सब इसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे नारी, तू नहीं जानती ये दुनिया बहुत है अत्याचारी। हाय। अरे ये क्या कर रही हो? इज्जत को सारे बाजार में नीलाम कर रही हो? क्या कर रहे हो? सब लोग हमें देख रहे हैं यार। अरे आजकल ऐसी जींस फैशन में, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो इस बात को? एनीवे, हाय। हाय। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो इस मोमेंट की एक सेल्फी तो बनती है ना। ओके श्योर। ओके। रवि, सबसे बड़ी गुरु आजकल की लड़कियां हैं, वो जो करें मना मत करना। ये तो बहुत फास्ट है, मुझे भी सुपर सोनिक फास्ट बनना पड़ेगा। परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अरे वो देखो, औरत पर अत्याचार। घटिया इंसान। वहाँ चलो बहनों, चलो, लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है कमीने। ओए लड़की छोड़ता है, रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई गलती नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं की है। उसने मुझसे किस मांगा था? नहीं नहीं
आ रही है। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। एक कमीने को पकड़ा है। दिव्या ये देख, तेरे भाई ने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं एक वीडियो जिसमें वहशी दरिंदा सरेआम पब्लिक प्लेस में लड़की को किस कर रहा था। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है, महिला संगठन धरने दे रही है। नमस्ते। अच्छा, तुम्हारा भाई है। बड़ा मजा आता है ऐसे लड़कियों को किस करने में। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार किस किया तो मिस करेगा लाइफ को। बैठो। तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी ना? हा? पर मुझे बहुत आ रही है। तुम खुद को समझते क्या हो? ये छिछोरापन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है ना? हा? कोई काम करना चाहते भी हो या फिर तुम ऐसे? पता है मनी तुम्हारे लिए दिन रात मरते रहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसे ना कम पड़ जाए इसलिए डबल शिफ्ट काम करता है। एक मिनट रुको, जानते हो ये क्या है? हमारे घर के डुप्लीकेट पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है हमारे पास। जब 19 साल तक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए थे ना, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ा, और अब हम लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं। किसी भी दिन ये घर हमसे छीन सकता है और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये घर हम दोनों का सपना है। हमारे दो बच्चे हैं, हमें उन दोनों का भविष्य बनाना है। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम इसे देख रहे हो, जन्म से लेकर आज तक इसने किसी से बात ही नहीं की, पता ही नहीं क्यों। इसे ऐसे देखते तो दिल छल्ली हो जाता है। और मेरे पति इसके लिए हर साइकेट्रिस्ट के पास भागते फिरते, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये किसी से बात कर सके। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के होगे फिर भी शर्म नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ, इससे बीच में मत बोलिए आप। जानते हो 19 साल से वो तुम्हें क्यों झेल रहे हैं? जानना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बस यही एक वजह है। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकले। मनी, मेरे लिए लोन लिया लेकिन मुझे ही नहीं पता है। अरे तू तो कोमा में था ना, कैसे पता था? लेकिन ये बात झूठ है कि तू उसका भाई है, इसलिए मैंने ये सब किया। ये मैंने दोस्ती के लिए किया। और उमत पगले, मुझे एक जॉब दिला दे यार। तू फिकर क्यों करता है, है? कहीं ना कहीं तो चिपका ही दूंगा। कॉलेज के बाद फोटो नहीं खिंचवाई? नहीं सर। क्यों? वो क्या है कि मैं 19 साल से कोमा में था। कोमा? हाँ। ग्रेट, अच्छी बात। ये कोमा कहाँ है? कनाडा में सर, मैं वहाँ जाके आया। अच्छी जगह, अगले हफ्ते मैं भी जाने वाला हूँ। क्यों भाई, शरम वरम बेच खाई है क्या? लोन वापस करो या चुपचाप ये घर खाली करो। भिखारियों की तरह लोन मांगने आ जाते हो, चुकाएगा कौन? अरे चुकाएंगे कहाँ, इन्हें तो हराम की आदत लग गई है। पैसा ले लिया है, अगर नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, नहीं तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा और तुम सबको रोड पे फिकवा दूंगा। अरे हराम की खाने की आदत हो गई है इनकी। सांड के जैसे बैठा है सर, देख क्या रहा है, पैसे वापस कर पे। क्या कहा, तुम स्टैचूज बनाते हो? हां सर। यार मेरे पास तो खुद की 3D मशीन है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम एक मूर्ति बनाओगे तब तक तो मेरी 100 मूर्तियां बन चुकी होंगी। ऑफिस बॉय की जॉब के लिए भी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है और ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है। तुमने तो सिर्फ 10वीं पास की है, आपके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, चाय पियो और निकलते बनो। सर यहां खड़े रह के कोई फायदा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं वरना इसकी खाल उधेड़ देता। हिम्मत कहां से आई, अब निकलो यहां से। के मार के भगाओ क्या, चल जाए यहां से। ये 4 रुपए ले और बाकी पैसे वापस कर।
ए, ये क्या चिल्लर पकड़ा रहा है? 20 रुपए की तो चाय पी गया और 15 रुपए सिगरेट के हैं। भिखारी समझा है क्या? 35 रुपए की चाय 4 रुपए पकड़ा रहा है। मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। ये लो भाई, क्यों खून जला रहे हो? ये लो। चलो मिलके पतंग उड़ाते हैं। उसकी नौकरी का क्या हुआ? भैया खाना तैयार है, खा लो। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm so sorry भैया, sorry। Sorry क्यों कह रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दुनिया में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्समैन या फिर ड्राइवर है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। ऐसा मत सोचो भैया, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, देखना तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। अपने भांजे के लिए एक बिस्किट तक नहीं खरीद सकता, चाय भी 10 रुपए की आती। भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, पर प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक म्यूजियम बताया जहाँ वॉचमैन का पोस्ट खाली है, तो तुम करोगे क्या? ठीक है। ए, आईने में क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर, इसे पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म की याद आ गई। हाँ ठीक है, चल चुपचाप अपने ग्लव्स पहन और ड्यूटी पे लग जा। टिकटॉक क्या आ गया, सब खुद को हीरो समझने लग गए। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर ये मेरा फर्ज है, बिकॉज आई एम वॉचमैन। कली कर रहा है, चल जा अंदर। अरे बाप रे, इसकी वजह से पहले ही मार खा चुका हूं, अब और नहीं खाना, निकल लेता हूं। अबे अंदर आ गया? नहीं सर, तुझे बाहर खड़ा होना है। अंदर अंदर अंदर। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड रितिका की थी। रितिका ने ही तुम्हें ये जॉब ऑफर की है। चेकिंग करनी पड़ेगी। बहुत चेक कर लिया। अभी कहाँ, अभी तो नीचे ही चेक किया, ऊपर बाकी है। नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, चेकिंग सिर्फ मर्दों की करनी है, चलो जाओ। खुद तो कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं।